नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। लंबे समय से आंदोलनरत डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आज शिक्षा सचिव से मिले तथा उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया और शीघ्र नियुक्ति की मांग की। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने शिक्षा सचिव को अवगत कराया कि उत्तराखंड के डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। उत्तराखंड में सरकारी संस्थानों से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों के समक्ष दूसरे राज्यों के प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों से डिग्री धारियों को लेकर खड़ा कर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड में डीएलएड में प्रवेश पाने के लिए भी काफी कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने यह संकल्प जताया है कि वह डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ पूरी तरह से खड़ा है तथा उत्तराखंड के डीएलएड प्रशिक्षित के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। देखिए, जो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। उत्तराखंड में जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनको सरकारी प्रक्रिया से चुना गया। जैसे 70,000 में से केवल 500 लोगों को डीएलएड प्रशिक्षण के लिए चुना गया। 2 साल की उन्होंने कठिन ट्रेनिंग की, दुर्गम विद्यालयों में पढ़ाया 96 दिन, उसके बावजूद आज वो खुले आसमान के नीचे अपनी नियुक्तियों की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेशों से प्राइवेट कॉलेजों से जिनका सिलेक्शन उस यहाँ नहीं हो सका डीएलएड के लिए प्रशिक्षण के लिए, वो जो लोग रह गए वो दूसरे राज्यों से प्राइवेट कॉलेजों से फर्जी ढंग से डीएलएड प्राप्त प्रशिक्षण लेकर के, डीएलएड की डिग्री लेकर के उत्तराखंड में आ गए हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो फर्जी डिग्रीधारी भी अब इन लोगों के समकक्ष हैं। तो अब क्या होगा, उन्होंने तो पैसे दे करके बड़े परसेंटेज लेकर के वो डीएलएड की डिग्री लेके आ गए। अब यहाँ के उनके जब यहाँ कम्पीट करेंगे तो यहाँ के जो कठिन प्रशिक्षण प्राप्त बच्चे हैं वो रह जाएंगे और वो लोग जो बाहर से आए हुए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सरासर नाइंसाफी है। दूसरी ओर उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेजों को डिग्री डीएलएड करने की मान्यता नहीं है, वो डीएलएड नहीं कर सकते यहाँ उत्तराखंड में। लेकिन बाहर के प्राइवेट कॉलेजों से अगर कोई डीएलएड की डिग्री ले आता है तो उसको फिर यहाँ की गवर्नमेंट ओके कर देगी। तो मतलब ये तो सीधे सीधे मजाक है। मतलब जिस उत्तराखंड क्या इसलिए बनाया गया था कि भाई जिस प्रशिक्षण के लिए यहाँ पढ़ाई नहीं होती है आप वो प्रशिक्षण के लिए दूसरे कॉलेजों की यहाँ अगर मान्यता दोगे तो सीधे सीधे यहाँ के बच्चे रह जाएंगे, यहाँ का हक मारा जाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल आज इसी संदर्भ में मिलने गया था शिक्षा सचिव जी से और उनको कहा है कि कृपया मानवीय आधार पर या किसी भी आधार पर जो ये जो डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं इनको प्राथमिकता दी जाए, वरीयता दी जाए और इनका सिलेक्शन किया जाए। अगर ये नियुक्ति से वंचित रह गए और बाहर के प्राइवेट कॉलेजों से फर्जी ढंग से डिग्री लाने वाले बच्चे अगर यहाँ सेलेक्ट हो गए तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए आंदोलन करेगा। हम पूरी तरीके से अपने डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ हैं।